रंगों के त्यौहार होली के पावन पर्व पर सहसा माँ पार्वती परिवार कन्नौज ने बहन ललिता आशापुरे ने बताया कि वर्तमान में आधुनिक कारण होने से होली पर्व की परंपरा बदलती जा रही है। कोई गोबर को हाथ से छूना पसंद नहीं करता। अपनी परंपराओं को आगे बढ़ाते हुए संस्था की बहनों ने मिलकर गोबर से भरभूलों की पारंपरिक माला बनाई है, जिसका वितरण छोटे से कार्यक्रम में किया गया। संस्था प्रमुख संगीता आशापुरे ने बताया कि इस अवसर पर कार्यक्रम की मुख्य अतिथि भाजपा महिला मोर्चा की जिला मंत्री शीला बड़ोदिया ने उपस्थित होकर सभी बहनों को होली पर्व की कथा पर अपने विचार व्यक्त करते हुए बताया कि होली रंगों का पर्व है, सभी मिलजुल कर इस पर्व को मनाएं। जब होली पूजा करने जाए तो बुराई का अंत करें, आपसी भेदभाव को मिटाए। इन्हीं विचारों के साथ ही गोबर से बनी मालाओं का वितरण किया। कन्नौज से कमल गर्ग की रिपोर्ट। माँ पार्वती परिवार कन्नौज के द्वारा होली के पावन पर्व पर हमारे संस्था की महिलाओं द्वारा पारंपरिक गोबर से बने हुए एक गर्भुलों की माला का वितरण किया गया है। हमारे बीच में भाजपा की महिला वरिष्ठ सदस्य शीला जी बड़ोदिया यहाँ पर उपस्थित हुई हैं। हमारे ही संस्था से वरिष्ठ सदस्य आदरणीय दीदी उपस्थित हुई है। इनकी उपस्थिति में आज हमने यहाँ पर इन होली की परंपराओं का आज होली के पर्व के मतलब माँ पार्वती की तरफ से आज हमारे को होली का कार्यक्रम रखा गया हुआ है। रंग गुलाल माता की तरफ से सब महिलाओं को बुलाया गया है और होली के पर्व पर ये कार्यक्रम रखा गया है। आज मतलब सबसे बड़ा त्यौहार है अपने और आज ही के दिन होली का पूजन होती है, दूसरे दिन उसका दहन होता है। मतलब सभी महिलाओं को आज की होली की हार्दिक शुभकामनाएं मैं देती हूँ। इसी के साथ सभी को अनुरोध करती हूँ कि होली का पर्व ऐसा ही मनाया जाए और ये परंपरा को नहीं तोड़े और किसी को उपलक्ष्य में मतलब होली ऐसी चीज है कि पुराने वर्ष में चली आ रही है। इसी को सब लोगों ने हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।